बाय बाय। अभी बच्चे स्कूल गए हैं और ये चल रहा है मेरा नाश्ता। जब से मैं बाहर से ट्रिप से होकर आई हूँ ना, तब से मुझे चाय पराठा सुबह में ना नाश्ते में इतना अच्छा लग रहा है, तब से ना मैं डेली चाय पराठा ही ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से आज दोपहर को ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अनीता रमजान अभी यहाँ से जा रहे हैं तो उनको छोड़ने के लिए स्टेशन जा रहे हैं। बाकी आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी आज पूरा दिन, मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि आज ना ब्लॉग नहीं बन पाएगा, लेकिन अभी उठी हिम्मत की, नहा धो के फ्रेश हुई हूँ, तबीयत थोड़ा अच्छी है, सब बुखार वाली तबीयत हो रही थी, तो चलो अभी चलते हैं। ये डोर मैं भूल रही थी और वापसी पर फिर नोबिता ने भाग जाना था। देखो यहाँ पर कोने में छुप के बैठा हुआ है। ये नहीं जा रही, तुम नहीं जा रही, तैयारी व्यारी नहीं की? नहीं जा रही, कोई जाने का दिल नहीं है? रह गए ये सारा इनका सामान वामान, ऐसे पैक करके जा रहे हैं जैसे कभी वापस नहीं लौट कर आना। नहीं मैं आऊंगी। ये सामान असल में इसमें कुछ देने वाला था जो मैंने साथ में दिए कि वहीं जाके देना, तो चलो साथ साथ जो है ना ये आज जा रही है पूरी तैयारियों के साथ। हाँ अजान बाप कहाँ जा रहे हो? बहुत खुश है। नानी को मिलने जा रहे हो? खुश हो नानी से मिलने? और रमजान तुम भी जा रहे हो नानी से मिलने? अब्बा से मिलने जा रहे हो? आपका नानी से मिलने? आंटी को दिखाए अपने नए शूज अपने? अच्छा नए जूते देखो लेकर आए, नए कपड़े लेकर आए, पूरी तैयारियों के साथ जा रही है नानी से मिलने। वापस आओगी? आओगी हाँ, देखो बेटी भी कहती है कि वापस आऊंगी। अब इकरा की भी तैयारी हो गई, ये भी साथ में जा रही है। चलो इसके हाँ चलो ये तो एक साथ जाते हाँ एक साथ जाते अकेला छोड़ के जा रही है। साइड पर देखो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, बस सामान रख सामान बल्कि पहले रख लेते ना, ये वाला खोलना पड़ेगा, ये वाला, ये सामान आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, हम बैठ पाएंगे? जी जी चलो किसी तरीके से बनाएगा। यहाँ पर देखो हलीमा को नहीं लेकर जा रहे? नहीं हाँ हलीमा नहीं जा रही। आ गया सामान, मैं तो सोच रही थी और गाड़ी करानी पड़ेगी। यस अच्छा फिर ठीक है, मिलेगी ये तुम से। कहते तुम मत जाओ। हाँ इसे रोक रही है। अरे अनीता ने तो अपना बैग भी उठा लिया, नया वाला उठा लिया, नया वाला बैग यहाँ पर क्यों पहन के जा रहे हो? गांव वालों को दिखाएगी ना फैशन, ये रास्ते में कुछ नहीं नहीं, नहीं, नहीं। थाईलैंड का बैग जो है ना गांव वालों को जाके दिखाएगी। देखें जी ये बैग लेके जा रही है तो ये रास्ते में किसी ने छीन लिया तो फिर वहाँ क्या दिखाओगी? मैं ऐसे दिखाऊंगी, अपना मुंह दिखाऊंगी। जाते बोलना गांव वालों मैं आ गई। हाँ जूते जूते भी नए मैंने पूरी तैयारी के साथ। चलो चलो खैर से जाओ और फिर अच्छा टाइम गुजरे। और रमजान भी बाय बाय ओके अच्छा जल्दी वापस आना ठीक है? चलो 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 आ जाओ स्टेशन की तरफ। देखो इकरा भी आई थी तो दो दिन हमारे साथ रही, उसकी असल में तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से वापस जा रही है, वरना वो भाभी के साथ ही वापस जाती। तो चलो इनकी भी तैयारी बन रही थी तो इनके साथ ही भी जा रही है। आज अनीता ने ना बहुत तैयारी की हुई है, वो जो हमने मुगले आजम वाला नहीं बनाया था कनीज बनी थी ना, और जो गंदम काटने के लिए बाकी गई हुई थी वो जा रही हूँ ना गाँव, वो जो गंदम काटने गई थी उनको बुलाने जा रही हूँ। वजीर मेरा हुक्म सुन लो, कुछ भी हो जाए इसको लेकर आना, मैं खंजर तो भूल गई हूँ, कनीज को भूल के मत आ जाना। स्टेशन चलो बातें करते करते पता ही नहीं चला, वैसे रास्ते में रश तो था। अच्छा अभी हम पहुँच गए यहाँ पर स्टेशन पे, ये रहा। आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा के बगैर जाओगी? ठीक ख्याल रखना अपना फिर इंशाल्लाह। चलो जितना टाइम रहा है हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, एक एक चीज का अनीता ने हमारा ध्यान रखा है, हर चीज का ख्याल रखती थी। और रमजान चलो ठीक है, बाय बाय गाँव वालों को, सबको सलाम है। गाँव में कुछ चीज की जरूरत हो तो वजीर हुक्म दे रही हूँ जल्दी वापस लौटना है। हाँ, ये मल्लिका का हुक्म है जल्दी वापस। चले चले भाग के जाओ, सब लोग अंदर जा रहे हैं। अभी वो वजीर कितना टाइम लगाओगे? बाय 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 रमजान। अभी उन बच्चों को छोड़ने के लिए गया सामान निकालने के लिए, दोबारा से आएगा, मैं अभी अंदर बैठती हूँ। अरे क्या हो गया? मैंने आपको कहा ना कि हम गांव चलेंगे, यहाँ से कुल्ली कराया क्योंकि इनका सामान काफी ज्यादा था। चलो ठीक है रमजान, चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है, बच्चों का अनीता का सबका और गांव वालों को सलाम देना, सही है, ओके बाय बाय।
अल्लाह। रमजान अपनी फैमिली के साथ यहाँ से रवाना हो गए। देखो यही एक लाइफ होती है इंसान का, एक अच्छा इखलाक होता है जो हमेशा याद रहता है। बाकी तो चीजें क्या आई गई हैं, बाकी सारी चीजें सच में आई गई हैं। इमरान अनीता यहाँ पर हमारे साथ रह गया ना, बहुत सच में एक ईमानदारी के साथ दोनों मियाँ बीवी ने बहुत अच्छे से काम किया है, घर का ध्यान अच्छे से रखा है। हम कहीं पे भी जाते थे पूरा घर ना ईमानदारी से संभाला है। जैसे और जैसे आपने ना शुरू से देखा होगा, जब से हमारे ये चैनल बने हैं ना, जो भी साथ में आया है, मतलब एक कुछ टाइम बाद उसने फिर चैनल खोला है, लेकिन इन्होंने ना कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं किया चैनल का, हमेशा अच्छे से मेरे साथ रहे हैं। बस उन्होंने ना एक अपने काम को लेकर चले हैं कि सिताराबाजी का ध्यान रखना है, बच्चों का, घर का। और इस तरह के लोग ना सच में आपको कभी कभी अपनी लाइफ में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो ऐसे रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए कि आगे अब देखो आते हैं वापस या नहीं आते। फिलहाल तो बोल के गए हैं, रमजान बोल के गए कि वो आ जाएगा वापस, और अनीता भी कुछ टाइम नहीं आएगी। एक जब हमारा इंटरनेशनल ट्रिप था, ये डिश मुझे दे दो ना, तो पीना है मिंट लेमन का, इतना ज्यादा ये टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। जब हम ट्रिप पे गए थे तो मैंने सोचा था कि पाकिस्तान जाके ये पीऊंगी, और देखो इतने दिनों बाद आज मुझे टाइम मिला है। जो है ना, हमने पूरे घर वालों के लिए यहाँ के चिकन रोल भी ले लिए, हॉट एंड स्पाइसी के ना, यहाँ के चिकन रोल भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम पहुंच गए वापस अपने घर पे। ये क्या किया, कोल्ड ड्रिंक गिरा दी सारी। ये साइकिल लेके कहाँ जा रहे हो? मम्मा आपके लिए चिकन रोल लाइए, हॉट एंड स्पाइसी का आपको पसंद है ना, खा के जाओ। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? चेन निकली और ऐसे साइकिल भगा के जा रहा है, आ जाओ अंदर। थक हार के आ गए, अच्छा खासा स्टेशन दूर है। इधर तो देखो सारी लाइट्स ऑफ, सब कुछ कहाँ गए सब? लगता है सब सो रहे हैं, कोई भी नीचे नहीं है। और मैं जैसे वहां से वापस आई हूँ ना, जैसे आई हूँ घर पे सारी लाइटें ऑफ, सब सो रहे थे, मैं भी आकर सो गई, मुझे भी नींद आ गई। और थोड़ा उदास भी था ना, घर ऐसा खाली खाली भी लग रहा था। इतना टाइम जब आपके साथ कोई रह जाए और चहल पहल घर में रौनक लगी रहती थी, तो वो एकदम से जहर सी बातें जाए ना, तो फिर ऐसा थोड़ा दिल उदास तो हुआ है। अच्छा टाइम गुजरा हमारा एक साथ, और बहुत अच्छे सच में मेरे साथ रहे। और उसके अलावा फिर हलीमा खैर हमारे साथ ही रहेगी अभी। हलीमा का हर कोई पूछ रहा था कि अनीता की बहन है, तो अनीता की नहीं, वो रमजान की बहन है। और बाकी रमजान, जैसे कि मैंने आपको बताया, सगे मामू का बेटा, उसी तरीके से हलीमा भी मेरे सगे मामू की बेटी है। हमारा एक ही गांव है, तो जब हम गए तो हमारे साथ जाएगी घूम फिर के। फिलहाल अभी हमारे साथ है, देखो कितना टाइम ये रहती है यहाँ पर। फिलहाल बहुत ज्यादा खुश है, मैं बोलती भी हूँ तो मैं मिलवाने जाऊँ तो कहती है नहीं, मुझे इधर ही रहना आपके साथ ना। कि इसके अलावा कल जो मैंने आयत का हेयर कट किया है, सबको इतना ज्यादा पसंद है, इतने सारे मुझे अच्छे अच्छे मतलब पॉजिटिव कमेंट है। हालांकि मैंने 4-5 साल हो गए मैंने इस चीज को छोड़ा, अपना सैलून का जॉब छोड़ा है। और जब मैं जॉब करती भी थी ना, तो मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट थी वहां पर, मैं हेयर कट का नहीं करती थी। लेकिन मैंने अपनी क्लासेस, जैसे आप मतलब वो एक इस फील्ड में जाते हो ना तो सीखते हो, क्लासेस मैंने हर एक चीज की ली थी, जिसमें हेयर कटिंग का भी था। तो मैंने क्लासेस पूरी ली थी, हेयर कट की भी ली थी, मेकअप की भी ली थी। और जब मैंने जॉब की थी तो जॉब मैंने हेयर कटिंग वाला इसमें कुछ नहीं लिया था, मतलब सिर्फ मैंने ना वो किया था, क्या कहते हैं, सिर्फ मेकअप की ही जॉब की थी। मैंने सीखा था ना वो थोड़ा बहुत, जैसे मैं घर पे काम करती थी, घर पे मेरे कुछ क्लाइंट थे वो आते थे तो उनका करती थी। हेयर कट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप अपना नया चैनल बनाते हो ना, तो नए चैनल में क्या होता है कि 4000 घंटा आपको चाहिए और वॉच टाइम चाहिए, मतलब लोग आपको 4000 घंटा वॉच कर चुके हों और उसके साथ साथ 1000 आपके सब्सक्राइबर हों, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो मेरा क्या हुआ था कि मैं तकरीबन 800 के करीब पहुंच चुकी थी, 800 मेरे ना सब्सक्राइबर हो चुके थे, ये मेकअप की और थोड़ी बहुत वीडियोस डाल के। और मेकअप की वीडियोस हफ्ते बाद, दो दो हफ्ते बाद ऐसे अपलोड करती थी, मुझे रेगुलर का पता नहीं था कि रेगुलर अपलोड होती है, और ये भी बड़ी मुश्किल से होती थी क्योंकि जॉब और ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल लगता था उस टाइम। तो खैर मेरे जब 800 सब्सक्राइबर हो गए थे ना, ऊपर से टाइम कम बचा था, मतलब मैंने बहुत सारा टाइम ऐसे वेस्ट कर दिया था। वेस्ट क्या, मतलब नॉलेज एक नहीं थी। तब मैंने क्या किया था, आखिरी 200 सब्सक्राइबर मेरे बच रहे थे, 200 पता नहीं 300 ऐसा कुछ था, 700-750 हो चुके थे, और ऊपर से ना 1 साल भी खत्म होने वाला था। तब जाकर मैंने फिर थोड़ा सीरियस लिया, जब एंड टाइम आया तो मैंने कहा टाइम खत्म ही हो गया, मतलब मैंने कोई काम ही नहीं किया यूट्यूब पे। तो मैंने क्या की ना, वो जैसा एक मेरा व्हाट्सअप था, तो जितने मेरे थोड़े बहुत मोहल्ले में क्लाइंट बने थे, मतलब मोहल्ले के ही थे, मोहल्ले में थोड़ी बहुत जान पहचान थी जिनका मैं काम करती थी, जैसे किसी की शादियां आ गई तो उनके मेकअप कर दिए, किसी का ब्लो ड्राई कर दिया, किसी का हेयर कट कर दिया, तो वो ना मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ना ऐड थे। तो उनपे ना मैंने ये एक स्टेटस लगाया था कि ना अगर मुझे कोई 20 सब्सक्राइबर देगा तो मैं उसका हेयर कट फ्री में करूंगी एक बंदे का।
तो वहां पर क्या था कि उन्होंने मुझे ना वो एक दिन के अंदर अंदर ना 100 सब्सक्राइबर मिले थे और मैं इतनी ज्यादा उस दिन खुश थी। और ये कैंची चला चला के जो मेरे हाथों में दर्द हुआ था, मैंने उस दिन बहुत सारे हेयर कट एक दिन के अंदर किए थे, मतलब 4-5 कितने हो गए ना 20 सब्सक्राइबर दे रहे थे, एक दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़े थे जो इतने टाइम बाद बढ़ते थे। मैं इतनी ज्यादा खुश हुई थी और काफी सारे मतलब वहां पर जो आसपास जिन जिनको पता चला तो वो सब आए थे और एक दिन में 100 बढ़े थे और मैंने एक ही दिन में काफी सारे हेयर कट किए थे और साथ में फिर ब्लो ड्राई उनका स्ट्रेट करके देना, हर एक चीज एक लुक दिया था। तो हेयर कट से ये याद आ गया। कटिंग के साथ साथ ना मैंने आईब्रोज भी फ्री किए थे कि मतलब 20 कोई मुझे सब्सक्राइबर देगा तो उसको मैं एक हेयर कट भी दूंगी और साथ में ब्लो ड्राई भी करूंगी और साथ में उसकी आईब्रोज भी बना के दूंगी, तो एक एक बंदे का मैं ये करूंगी। तो एक दिन में मेरे 100 बढ़े थे, मतलब ये जो मेरा 200 सब्सक्राइबर उन दिनों में हुआ था ना, तो ये मैंने हेयर कट करके उनके फ्री में हेयर कट किए थे, फ्री में आईब्रोज बनाए थे, तो उन सब ने ना बदले में मुझे सब्सक्राइब किया था और पता चला था कि हाँ सितारा यासीन है, ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, घर पे काम करती है, सब्सक्राइब करते हैं इसको। 150-200 तकरीबन उस टाइम पर मैंने इस तरीके से बनाए थे। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। बाकी मुझे कमेंट आ रहे थे कटिंग से रिलेटेड, तो तैयबा की कटिंग अभी हेयर कट रह गया ना, तो वो उसकी अभी कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आयत के टाइम पे मैंने नहीं बनाई थी, मुझे पता नहीं था कि आयत हेयर कट करने देगी, तो मैंने उसको बातें लगा लगा के ना नहर स्ट्रेट करके काट लिए थे। तो हाँ, इंशाल्लाह कल तैयबा का हेयर कट करेंगे तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको सिखाऊंगी भी सही कि घर पे बैठ के आप भी अपने बच्चों का हेयर कट एक बेसिक जैसा होता है आप कर सकते हो, बालों को शॉर्ट ट्रिम जैसा करना होता है, नीचे से लेंथ खराब हो रही होती है ट्रिम कर सकते हो, और वो भी पूरा एक बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, तो वो कल देखना। फिर आज का व्लॉग हमारा यही था, मैं मिलूंगी कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।